सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलो भाई। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय बोली भाभी भगवान की जय। आज 18 फरवरी 2018 का दिन है। हमारी प्राकृत गाथाएं चल रही हैं। व्याकरण हमने 20 क्लास में पूरा किया था और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपकी प्राकृत गद्य पद्य सौरभ में से गाथाएं पूरी की जाए। तो अभी तक हमारी 3 क्लास गाथाओं की हो गई है और आज 4th क्लास है। समण सुत्तम जो ग्रंथ है उसकी गाथाएं हम कर रहे हैं। कौन सा ग्रंथ है? समण सुत्तम। सुत्तम उसमें हमने 8 प्राकृत की गाथाएं, उनका भावार्थ और उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसमें कौन सी विभक्तियां हैं, क्या उनका अर्थ है, वो सब हमने अभी तक किया। जिन लोगों का रह गया है तो पिछली क्लासेस यूट्यूब पे प्राकृत गाथाओं के नाम से हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है सर? क्या जो यूट्यूब पे लिखा है, जो एल्बम बनाई है, इंग्लिश में लिखा है प्राकृत गाथाओं के नाम से? इंग्लिश में क्या लिखा? प्राकृत गाथाएं। गाथाएं, प्राकृत गाथाएं इस नाम से अलग से वो बनाया हुआ है, लिस्ट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां से आप अलग देख सकते हैं। और जो प्राकृत का व्याकरण था उसके लिए प्राकृत क्लासेस के नाम से अलग से बनाया हुआ। तो जिनकी भी पिछली गाथाएं उनका अर्थ निकल गया है, प्राकृत गाथाएं के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहां पे देख सकते हैं। और फेसबुक पे भी अलग से एल्बम बनाई है इसकी। फेसबुक पे हिंदी में, फेसबुक पे हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। ये यूट्यूब पे है और जैसा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गौरव जैन जैन वीगन, वी जी एन, सेम इसी नाम से आपको फेसबुक पे पेज भी मिल जाएगा। तो जो लोग नए जुड़े हैं, जो पहले कंटिन्यू क्लास नहीं कर रहे, तो इस पेज पे जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्राकृत गाथाएं, और ऐसे ही फेसबुक पे प्राकृत गाथाएं आप पूरा साथ में हमने जो भी पेज स्कैन करते हैं डेली के वो भी फेसबुक पे अपलोड कर दिए जाते हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, 9th हम गाथा कर रहे हैं समण सुक्त की। साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जो सहस्रम सहसाणम, जो सहस्रम सहसाणम, बोलिए साथ में, जो सहस्रम सहसाणम संगामे दुज्जये जुड़े, संगामे दुज्जये जुड़े, जिने नहीं है जुड़े, जुड़े रा एगम जुड़ेज अपाड़म, एगम जुड़ेज अपाड़म, एस से परमो जवो, एस से परमो जवो। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे जैसे जो माने जो, जो जो रात्रि बीतती है वह लौटती नहीं है। नहीं सॉरी, ये तो 8वीं का था, 9th वाले का है। जो कठिनाई से जीते जाने वाले संग्राम में हजारों के द्वारा हजारों को जीतता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो स्व को जीतता है, इन दोनों में उसकी यह स्व पर जीत परम विजय है। पहले इसका भावार्थ अपने सरल शब्दों में समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। एक व्यक्ति है सिकंदर, उसने पूरे संसार को एक तरह से जीतने की कोशिश करी। एक है अशोका, उसने भी जीतने की कोशिश करी। ऐसे ही सेल्यूलस, ऐसे ही औरंगजेब आए, बहुत सारे राजा आए जिन्होंने हजारों लोगों के द्वारा हजारों लोगों को, यानी कि पूरा की पूरा राष्ट्र जीतने की कोशिश करी। अब यहां इस गाथा के माध्यम से कंपैरिजन किया है कि बड़ा कौन है। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसने केवल अपनी आत्मा को जीता। तो दोनों में जब कंपैरिजन किया गया तो क्या बताया आचार्य ने,
अर्यत भगवान ने क्या बताया कि जो व्यक्ति स्वयं को जीतता है वो ज्यादा बड़ा है, बजाय जो पर को जीतता है। अपने आप को जीतना ज्यादा कठिन है बजाय दूसरे पूरे संसार को जीतने से। जो सहस्रम यानी कि हजारों, सहस्राणम हजारों के द्वारा, कैसे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो चतुर्थी विभक्ति लग गई, यहां पर क्या लगी सहस्रम, पीछे से भी हम शब्द अर्थ देखते चलते हैं नाइन्थ वाले में। ब्लू पेन दूसरा है, ये दोनों ब्लू, ये दोनों ब्लू। जो माने जो, सहस्रम का मतलब है हजारों को, बिंदी लग गई, सहस्त्र माने होता है हजार, सहस्त्र माने क्या है हजार, 1000, हजार भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे हजार दिया। वो जो गाथा का भावार्थ है लाखों के द्वारा, यानी कि जब सेना लेके गए तो लाखों की भी सेना हो सकती है, करोड़ों की भी सेना हो सकती है, गाथा में क्या लिया हजारों लोग लेके गए और हजारों को जीत लिया, बहुत सारे मरे उसमें, बहुत सारे जिए, और बाद में क्या मिला एक जमीन मिल गई, एक महल मिल गया। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसने अपने तप के द्वारा, संयम के द्वारा अपनी आत्मा को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त किया, या संयम के द्वारा, तप के द्वारा शांति का अनुभव किया, तो विजय, असली विजय किसकी है, जिस व्यक्ति ने अपने स्व को जीता, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, वो व्यक्ति वास्तव में विजयी है बजाय दूसरे के। सहस्रम ये क्या हो गया 2/1, कैसे सहस्र मूल वर्ड है और बिंदी लग गई देवम की तरह, तो क्या हो गया हजारों को, सहस्राणम। अब ये क्या हो गया, एक तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में आड़म लगता है, एक षष्ठी विभक्ति, तो यहां पे क्या है 6/2, हजारों के द्वारा, हजारों को, हजारों संगामे यानी संग्राम में, हमने बताया था सप्तमी विभक्ति में 7/1 में क्या होता है, देवे भी होता है और देवम्नी भी होता है, तो देवे से क्या बना संगामे 7/1, सातवीं विभक्ति एक वचन, संग्राम में यानी कि युद्ध में, किसी संग्राम में। दुज्जये, दुज्जय का मतलब है कि बहुत ही दुर्जन, बहुत ही कठिनाई से, है ना, बहुत परिश्रम करके, यानी कि युद्ध लड़ना कोई आसान तो है नहीं, तो दुज्जय का मतलब हुआ, यहां पर भी सातवीं भक्ति एक वचन है, दुज्जय कठिनाई से जीते जाने वाले, कठिनाई से जीते जाने वाले। जड़े, जड़े माने हुआ जीतता है, जड़े माने क्या है जीतता है। अब इस लाइन का मतलब पढ़ो पूरा, जो हजारों को, हजारों को सहस्राणम हजारों के द्वारा संग्राम में, और कैसा संग्राम, कोई आसान संग्राम नहीं है, पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है महाभारत की तरह, है ना, और जीतता है। लेकिन एगम, एगम का मतलब एक, और एक दूसरा व्यक्ति है, एगम का मतलब एक। जड़ेज, हमने इज वाला लगाया था, जड़ेज एक जो है, यहां पर शुरू में हमने जब कर रहे थे तो एज, एजाड़म, ये सभी में लग सकते हैं, ये बताया था। तो जड़ेज का मतलब है जीतता है। अप बोलते हैं आत्मा को, ठीक है, किसको जीतता है, स्व को, आत्मा को, अपने आप को, स्वयं को। अप का मतलब होता है आत्मा भी होता है, और आत्मा क्या होती है स्व, यानी कि स्व, स्वयं को। एस से पर, परमो जयो, एस, एस से बना एस, एस का मतलब क्या है यह, से माने वह, यह उसकी, से क्या बना वह के लिए उसकी, परम मतलब परम
यानी कि सर्वोच्च, जो यानी कि जीत है, विजय है। जो मतलब विजय या जीत। अब पढ़ते हैं इसको। जो हजारों को हजारों के द्वारा दुर्जय यानी कि बहुत ही कठिन संग्राम में जीतता है, ठीक है। एक व्यक्ति तो हो गया, और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो जीतता है स्वयं को, अपनी आत्मा को। तो क्या कह रहे हैं, एस से परमोजयो, तो ऐसे इस व्यक्ति की है ना जीत परम जीत है, और जो दूसरों को जीतता है वो तो बाद में फिर मर जाएगा, है ना। बहुत सारी आप मूवी भी देखते हैं, अभी कुछ दिनों पहले भी आई थी, है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दूसरे संग्राम को जीत दिया, लेकिन अंत में जाकर उसका क्या हुआ, वो भी मर गया। इधर जीता उधर जीता, लोगों को मारा, हिंसा करी, क्या फायदा। और एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने ध्यान में बैठा है, अपनी आत्मा में जीतता है, तो उसकी जीत अभी श्रवण बेलगोला में महामस्तक अभिषेक चल रहा है, उसमें बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक भरत चक्रवर्ती थे जिन्होंने पूरे 6 खंड को जीता, ठीक है। उसके बाद और बाहुबली क्या हुए, उसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया, और वो जाके अपने आप को जीतने के लिए एक वर्ष तक एक ही मुद्रा में खड़े रहे। तो बाद में जाके भरत चक्रवर्ती ने उनको जाके प्रणाम किया, क्यों, क्योंकि विजयी असली में कौन है, बाहुबली पहले विजयी हुए, बाद में जाके भरत चक्रवर्ती ने भी दीक्षा ली और उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष हुआ। लेकिन असली जीत किसकी, जिसने स्वयं को पहले जीत लिया, ना कि जिसने संसार को जीत लिया। आगे इसका भावार्थ समझ में कितनी अच्छी गाथा है, देखिए इसकी फोटो खींच लीजिए फिर अगली गाथा करेंगे। इसको समण सुक्तम ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं, आपको इस बहाने से स्वाध्याय भी हो रहा है और इनको आत्मसात करने की कोशिश करनी है, जो जो बातें लिखी हैं समझने के साथ साथ अनुभव भी करने में लाना है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। अगली गाथा, अप्पा चेव दमोए यवो, अप्पा माने भी क्या बताया, आत्मा। अप्पा चेव दमे यवो, अव तब दब किस में आया था, विधि कृदंत चाहिए, अव्वा चेव दमे यवो, जाना है ना, हमने व्याकरण करी थी, तो उसमें चाहिए के लिए अब तब दब यव ये सब वर्ण आए थे। अप्पा हु खलु दुद्मो, अप्पा हु खलु दुद्धमो, दु उसके बाद ध्या मो, ये क्या है, दुध्यमो। अप्पा दंतो सुही होई, अप्पा दंतो सुही होई, अस्सिम लोए परत्य, अस्सिम लोए परत्य, इसका अर्थ पढ़ेंगे, पिछली वाली गाथा से ही कंटिन्यू चल रहा है, आत्मा ही सचमुच कठिनाई पूर्वक वश में किया जाने वाला होता है, तो भी आत्मा को ही वश में किया जाना चाहिए, कारण कि वश में किया हुआ आत्मा ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही देखने में ऐसा लगता है, व्यवहार में ऐसा लगता है कि युद्ध जीतना या दूसरे को जीतना या अपनी मन की आकांक्षाओं को, परिग्रह को इकट्ठा करना, आकांक्षाओं को पूरा करना कठिन है, लेकिन वास्तव में क्या है, जब किसी को सारे संसार का मोह छोड़ के उसे बिठा दिया जाए कि भाई तेरे को 10 दिन तक एकदम मौन में रहना है,
है ना, और ध्यान अवस्था में रहना है, तब उसे पता चलेगी कि संसार के बीच युद्ध लड़ना ज्यादा आसान था और शांति से एक जगह बैठना बिना कुछ करे वो ज्यादा कठिन है। तो यही बात बताई है कि वास्तव में स्वयं को जीतना ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली करना क्या है, स्वयं को जीतना ही परम लक्ष्य है, परम आपका उद्देश्य है। क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, आत्मा को वश में कर लिया है, वही व्यक्ति ऐसा है, वही अपने वही आत्मा ऐसी है जो न केवल इस लोक में वरन परलोक में भी सुखी प्राप्त करता है। क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को खत्म कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, ना आपको किसी चीज से राग है, ना किसी चीज से दोष है, तभी आपको वास्तव में सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि अगर आपने राग रखा, आपने इच्छाएं रखी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो आपको दुख होगा। एक बार एक चीज की इच्छा की पूर्ति हो गई, फिर दूसरी इच्छा की आकांक्षा रहेगी, और चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब अपने आत्मा को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया, उसके बाद आप वास्तव में सुखी हो गए। ये इन दो लाइनों का भावार्थ है। अब शब्दार्थ से समझेंगे। अप्पा माने अभी बताया था हमने, आत्मा भी बोलते हैं और स्वयं भी बोलते हैं। तो यहां क्या हुआ, अप्पा यानी आत्मा। चेव फिर से अव्यय है, इसमें कभी चेंज नहीं होता। चेव का मतलब होता है ही भी होता है, भी भी होता है, बहुत सारे शब्दों में इस्तेमाल हो जाता है। चेव माने ही, ये हो गया अव्यय। यज्ञ अभी हमने बताया था चाहिए, और जैसे राइम बनाते हैं देवों की तरह से, जो पीछे वाली जिसको हमने प्रतिमा में लगाया होगा, अब यहां पे क्या है, पुल्लिंग के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या हो गया, यवो चाहिए। दमे यानी कि दमन, दमे का मतलब कंट्रोल करना, दमन करना, आत्मा ही दमन करना चाहिए। ठीक है, दमन किया जाना चाहिए। दमन का मतलब क्या होता है, वश में करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल या वश, आत्मा को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई बहुत गुस्सा कर रहा है और आपने एकदम से पलट के उस पर वार कर दिया, बाद में हो सकता है आप ही का नुकसान हो, तो कंट्रोल करो, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे हर चीज को, आपको बहुत चीज की इच्छा हो रही है तो कंट्रोल करो, तो थोड़ी देर बाद वो चीज शांत हो जाएगी, आप सुखी हो जाओगे। अप्पा हु खलु दुद्धमो, अप्पा माने फिर से आत्मा ही, खलु माने ये भी एक तरह से अव्यय है ना, इसका अलग अलग जगह कई बार पाद पूर्ति के लिए यूज में आ जाता है। यहां पे क्या है, वास्तव में, यानी कि असलियत में, सचमुच में, आत्मा ही हु माने भी ही है, आत्मा ही सचमुच में दुद्धमो, यानी कि जैसे अभी पिछली गाथा में आया था दुज्जये, कठिनाई से, है ना, एक वहां पे था कि कठिनाई से एक तो आपने युद्ध लड़ा, अब उससे भी ज्यादा कठिन क्या है, स्व को कंट्रोल करना, अपने आप की, अपनी आत्मा को अपने वश में करना, कि जैसा आप चाहते हो वैसे ही आत्मा आपका काम करे। दुद्धमो यानी कि कठिनाई से, आत्मा को वश में किया जाना चाहिए। आत्मा कठिनाई से वास्तव में वश में किया जाता है, इतना आसान नहीं है। अप्पा दंतो सुही होई, अप्पा का मतलब फिर से आत्मा, दंतो का मतलब है वश में किया हुआ, जैसे दांत दबा देते हैं ऐसे दंतो क्या हुआ, जब कंट्रोल कर लिया, वश में किया, वश में किया हुआ। अब आपने आत्मा को जब वश में कर लिया, सुही पहले भी आया था, सो का मतलब सुख, होई माने अन्य पुरुष एकवचन होता है, ये दीदे लग गया, सुही माने सुखी, होई माने होता है, क्या हुआ ये, तीन बटा एक, अन्य पुरुष एक वचन, हो माने होना, ये दीदे लग गया उसमें,
सकते हैं, तो वो ही अप्पा जो कंट्रोल में किया हुआ आत्मा है वही सुखी होता है। अस्सिम लोए परत यह, यानी कि अस्सिम माने इसमें, इस लोक में, इस अस्सी अभी बोल देते अस्सी बैठो, यहां बैठो, अस्सी कितने जा रहे हो बोलते ना कई बार पंजाबी में, तो अस्सी यानी कि इस लोए हुआ लोक में। यहां पर भी ए लग गया तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है और सप्तमी विभक्ति, एक वचन क्या हो गया ये सात बटा एक। लो अ इसका मूल शब्द है, उसमें क्या जोड़ा हमने ए, स्त्रीलिंग में देखा था ना, तो ऐसे ही ए जोड़ के क्या बन गया लो ए। परत यानी कि पर माने दूसरा, यानी परलोक, या माने और, परत माने परलोक। परलोक क्या होता है कि जब यहां से कहीं दूसरी जगह या तो जन्म होगा या फिर सीधे सिद्धिशिला पे जाओगे, संसारिक तो लेकिन अल्टीमेटली अच्छी गति में जाओगे अगर आपने अपनी आत्माओं को वश में कर लिया है। यह माने और, आत्मा ही दमन किया जाना चाहिए, आत्मा ही वास्तव में कठिनाई से दमन किया जा सकता है, वश में किया हुआ आत्मा सुखी होता है, सुखी होती है इस लोक में भी और परलोक में भी। जो आत्मा है वो वश में अगर कर ली गई तो इस लोक में भी सुखी होती है और परलोक में भी उसको सुख ही सुख मिलता है। इसकी फोटो खींच लो। आगे गाथा है समझ में, हमारी 10 गाथा है हमें, है ना, मिटा दें इसको। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं या रिपीट करके सुन सकते हैं, तब भी आपको इसको अच्छे से याद हो जाएंगे। कितनी बार से फोटो, लाइव वीडियो फेसबुक पे चलती है और यूट्यूब पे क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट बाद अपलोड हो जाती है। अगर कुछ लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं तो बेटर है कि वो यूट्यूब से देखें, क्योंकि यूट्यूब में क्वालिटी अच्छी आती है, लाइव में होने की वजह से थोड़ी कई बार क्वालिटी हल्की आती है। और अगर इसमें जो स्कैन करके हम पेज डालते हैं तो वो फेसबुक वाले पेज पे डालते हैं। अब 11वीं गाथा करेंगे। अर्थोवम वर्थोवम, अर्थोवम वर्थोवम, अग्गी थोवम कसाय थोवम च, अग्गी थोवम कसाय थोवम च, नहु भे वीस यवम, नहु भे वीस सीयवम, इस सीयवम विससीयवम, ओके, थोवम पीहु तम बहु होई, पीहु तम बहु होई। पढ़ेंगे एक बार, अर्थोवम वर्थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम च नहु भे वीस सी यवम थोवम पी हु तम बहु होई। क्या कह रहे हैं इसका अर्थ पहले पढ़ लेते हैं पुस्तक में से, फिर शब्द करते हैं। थोड़ा सा ऋण यानी कि थोड़ा सा लोन ले लिया,
थोड़ा सा घाव, थोड़ी सी अग्नि और थोड़ी सी कसाई तुम्हारे द्वारा विश्वास किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी वह बहुत ही होता है। अगर आपने किसी से थोड़ा सा लोन ले लिया, आपको भी बहुत थोड़े की जरूरत है, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा ही बहुत हो जाता है। आजकल बहुत चल रहा है ना, किसी ने 11,400 करोड़ का लोन ले लिया, तो पहले उसने थोड़ा सा लिया होगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा करते करते उसकी इच्छाएं बढ़ गई होंगी, तो वो अब जिसकी अपनी ऋण का मतलब क्या है कि आपने अपनी कैपेसिटी से कुछ ज्यादा करने के लिए आपने लोन ले लिया। किसी ने, आप कैसे सुनते होंगे, किसी ने 100 रुपए का भी लोन ले लिया, किसी ने 1,000 रुपए का भी लोन ले लिया और नहीं चुका पाया, तो बहुत बार उसके लिए हिंसा हो जाती है, बैंक वाले या जो साहूकार होते हैं उसको परेशान करते हैं, और कोई करोड़ों का ले लेता है अपनी कैपेसिटी से ऊपर ले लेता है तो उसको भी बाद में परेशानी होती है। ऋण का मतलब है कि आपने जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, उससे अधिक की इच्छा कर ली, इसलिए आपने अपने ऊपर एक प्रेशर और डाल लिया। तो इतनी प्राचीन गाथा है, लोन देना तो अभी शुरू हुआ है बैंकों का, और ये 500 साल 1,000 साल पहले आचार्य महाराज बता गए कि भैया लोन लेना अच्छी बात नहीं है। क्या कह रहे, अड़थोवम, थोड़ थो मतलब थोड़ा सा, अड़ मतलब ऋण, थोड़ा सा ऋण ले लिया, और वड़थोवम यानी कि वड़ मतलब घाव, थोड़ा सा घाव लग गया शरीर में, वो भी कितना दर्द देता है ना, अगर जरा सा भी आपको, चींटी के बराबर भी आपको घाव लग गया, फिर भी आपका दिमाग सारा वहीं, अगर पूरे शरीर के कंपेरिजन में देखोगे, अरे जरा सा समय तो लगा, लेकिन इतना सा घाव भी, जरा सा भी सरदर्द हो जाए तो कितना आपको कष्ट देता है। जैसे थोड़ा सा ऋण है वैसे ही थोड़ा सा घाव है, ऐसे ही थोड़ी सी अग्नि है, एक चिंगारी लगती है जंगल में और पूरा जंगल धीरे धीरे जल जाता है। अग्नि, अग्नि को बोलते हैं अग्नि, थो मतलब थोड़ी सी अग्नि, ऐसे ही थोड़ी सी कषाय, कषाय क्रोध मान माया लोभ वाली जो चार कषाय हैं, वो थोड़ी सी भी अगर आपको लग गई तो च माने और, क्या हुआ, थोड़ा सा ऋण और थोड़ा सा घाव, थोड़ी सी अग्नि और थोड़ी सी कषाय, अगर बोला जाए ना मेरे को बहुत थोड़ी सी कषाय है, वही आपका काम तमाम कर सकती है। न हु भे वीसी यब्बम, यब्ब फिर से आ गया चाहिए के लिए, वीस माने होता है विश्वास, वीस माने क्या है, विश्वास। न हु भे वीसी यब्बम, न माने नहीं, ये सब थोड़ी सी चीज भी विश्वास किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये थोवम फी हु तम बहु हो, बहु माने बहुत, होई माने होती हैं, थोवम याने थोड़ी, पी माने भी, ये जो चार चीजें हैं ये इतनी सी भी हो लेकिन ये इतनी सी भी बहुत होती हैं। तो इसलिए आज का हमारा क्या ज्ञान है कि भैया लोन नहीं लेना, 100 रुपए का भी लोन नहीं लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उसको चुका पाओ, शांति से रहो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ही अंदर रहो। कितना बढ़िया बढ़िया ज्ञान है इसमें, अड़थोवम वड़थोवम, थोड़ा सा ऋण और थोड़ा सा घाव, थोड़ी सी अग्नि और थोड़ी सी कसाय, न हो भे वीसी अब्बम, विश्वास किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी होते हुए भी बहु यानी बहुत, हो यानी होती हैं। अब इनका शाब्दिक अर्थ लिख लेंगे, हमारी 11वीं गाथा चल रही है, इनसे आपको सीखना भी है, खाली जो भी लोग ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं खाली प्राकृत सीखने के लहजे से तो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे जो ज्ञान छिपा हुआ है असली, वो आपको सीखने की, आत्मसात करने की साथ साथ कोशिश करनी है, तो आपका जीवन भी सुखी मंगलमय हो सकता है। अड़ माने है ऋण, क्योंकि ऋणी शब्द प्राकृत में नहीं होता, थोवम माने थोड़ा, थोड़ा सा ऋण, वड़ माने है घाव, वड़ माने क्या है, घाव, थोड़ा मतलब थोड़ा, थोड़ा सा घाव, अग्नि माने अग्नि और कसाय माने कषाय, ठीक है, थोड़ी सी आग,
और थोड़ी सी कषाय। कषाय कौन कौन सी है? क्रोध, मान, मान, माया, मायाचारी करना और लालच करना, गुस्सा करना। ये थोड़ा सा गुस्सा भी आपका काम तमाम कर सकता है। थोड़ा सा घमंड और थोड़ी सी मायाचारी आपने करी, छल कपट किया और थोड़ा सा भी लालच किया, वो धीरे धीरे करके क्या होगा? वो जंगल की आग की तरह बढ़ने ही वाला है। तो या तो बिल्कुल नहीं हो, या थोड़ा हो, या बहुत ज्यादा हो, सब बराबर है। न हु भे वीसी अगम, वीस माने होता है विश्वास और यगम माने चाहिए। हमने देखा था ना, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? विश्वास किया जाने, विश्वास किया जाना, विश्वास किया जाना चाहिए और ना माने नहीं, तो क्या हो गया? विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। भे माने है, तो भे आता है ना जैसे तुम्हें, तो भे तो तुम्हें की जगह भे भी लगा देते हैं कई बार, तो क्या हो गया? तुम्हारे द्वारा। हु माने भी या ही, ना माने नहीं, ये क्या हो गया? अव्यय। थोवम पी, थोड़ा पी माने भी, थोड़ा भी, थोड़ा भी तम माने वह, बहुत हो जाता है, थोड़ा भी बहुत हो जाता है, बहुत से बिल्कुल आपने पकड़ा। तम माने वह, बहु माने बहुत, कोई याने हो जाता है या होता है। थोड़ा सा ऋण और थोड़ा सा घाव, थोड़ी सी अग्नि और थोड़ी सी कषाय। नहु भे वीसी अगम, उस पे आप ये मत सोचना कि भैया बहुत थोड़ा सा लोन चाहिए, नहीं, थोड़ा ही कर को ये बहुत मांगने लग जाएगा, या उसके ऊपर उसका ब्याज चढ़ते चढ़ते क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। 1 करोड़ का लोन लिया, हर साल 10-15% ब्याज दिया, तो बढ़ते बढ़ते पता चला 10 साल में वो 2 करोड़ हो गया और टेंशन इतनी ज्यादा हो गई। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है। फोटो खींच लो, इसकी 11 गाथा आपकी हो गई, हो गई बोलो। कोहो पी इम पड़ा से, कोहो यानी क्रोध। अब ये चारों कसाय के बारे में बता रहे हैं आपको, जो अभी हमने आपको बताई, क्रोध मान, क्रोध का क्या है, मान का क्या लक्षण है, माया का और लोभ का। कोहो पी इम पड़ा से ही, कोहो माने क्रोध, कोहो पी इम पड़ा से ही, माड़ो विड़े नासड़ो, माड़ो यानी मान, क्रोध हो गया अब मान हो गया, माड़ो विड़े नासड़ो। मैंने बताया था ये जो ग्रंथ है समण सुत्त, ये अर्धमागधी का है, तो वहां पर कई जगह ना का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, सौर शैली में ना बिल्कुल ना के बराबर आता है, यानी अड़ाई आता है। लेकिन अर्धमागधी में ऐसा नहीं है कि हर जगह अड़ाम की जगह ना है, अड़ाम भी आ जाता है अर्धमागधी में और ना भी आ जाता है, दोनों चलते हैं। माया, अभी क्या हुआ? क्रोध, फिर क्या हुआ? मान, माया ने मान यानी घमंड, अब क्या आ रही है? माया। मित्ताड़ी नासे, मित्ताड़ी नासे, लोहो सब विड़ासड़ो, लोहो यानी लो, क्या है? क्रोध, मान, माया, लो, क्या बोली थी अभी? 4 प्रकार की कषाय, सब विड़ासड़ो।
विनाश कर देते। हाँ देखो पकड़ में आ गया ना, अब आप प्राकृत सीख रहे हो इसका मतलब। ठीक है, कोहो पीम पड़ा से ही, क्रोध पीम बोलते हैं प्रेम को, है ना। अगर आप किसी पे क्रोध करोगे तो अगर आपको उस पर प्रेम है तो प्रेम हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। क्रोध पड़ा से ही यानी कि खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। क्रोध प्रेम को, प्रिय वस्तु को, प्रिय व्यक्ति को नष्ट कर देता है। आप किसी पर क्रोध करोगे जबरदस्ती तो ज्यादा दिन तक वो आप उससे प्रेम वात्सल्य नहीं कर पाओगे। माणो विणय नाशनो, माणो यानी कि घमंड, किसी को घमंड हो गया, विणय यानी कि विनय, नाशनो यानी नाश कर दे। विनयशीलता जो उसका सद्भाव है, अच्छे भाव है, है ना, सम्मान देता है, तो अपने घमंड के चक्कर में वो दूसरे को कुछ नहीं समझता तो विनय का नाश कर देता है। क्या? आपका घमंड कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं और ये कुछ भी नहीं, तो वो फिर दूसरे को विनय देगा ही नहीं। माया मित्ताड़ी नासे ही, मायाचारी, अब मायाचारी आप छल कपट किससे करोगे, अपने मित्रों से करोगे, तो मित्रों का नाश कर देता है ना। आप ठगते हो लोगों को तो उससे क्या होगा कि आपके असली मित्र खत्म हो जाए। और लोग, लोगो सब बड़ा, लोग तो पाप का बाप कहा है, क्यों कहा है, वो इन सब का बाप है, वो तो सब चीजों का नाश कर देता है। लालच, मुझे और चाहिए, लालच ही सारे पापों की जड़ है, क्योंकि आप जितने भी पाप करते हो वो किस लिए करते हो, लालच की वजह से करते हो। कोई भी पाप अगर किया जाता है, कोई भी गलत काम किया जाता है तो लालच की वजह से किया जाता है। लालच क्या होता है, जरूरत से ज्यादा की इच्छा करना, जो आपके लिए जरूरी नहीं है फिर भी दूसरे को देख के आकांक्षाएं करना, तो वो क्या होता है, लालच। बहुत आसान है ये वाला, बिल्कुल सीधे सीधे हिंदी से काफी शब्द मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कोहो माने क्रोध, लेकिन देवो की तरह चला तो क्या बन गया, एक बटा एक क्रोध। पीम यानी कि प्रीति या प्रेम, ठीक है, इम लग गया तो क्या हुआ, इम लग गया बताइए, देवम प्रीतिको कमलायनी, पी एम देवम, देव को प्रीति को क्या बन गया, प्रीति को, हाँ यानी कि प्रेम को, ये क्या बना, दो बटा एक नृत्य भोजन, हाँ ये बना दो बटा एक देवम की तरह। पड़ा से ये दीदे लग गया करता है, पड़ा माने नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, पड़ास ना नष्ट करता है, क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। माणो विणय नासड़ो, माया मान, हाँ माना, मान यानी घमंड, मान यानी घमंड, घमंड विनय का नाश करता है, घमंड विनय का नाश कर देता है। ठीक है, विनय यहां से क्या बना, विनय। माया माया मिताड़ी नासे ही, मायाचारी क्या होती है, मित्रों को नाश कर देती है। मिताड़ी है ना, ये क्या बन गया आपका द्वितीय विभक्ति, मित्रों को मिताड़ी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, आड़ी लग रहा था ना उसमें, मित्रों को नाश कर देता है। माया मित्रों का नाश कर देती है और लोभ सबका नाश कर, और लोभ सबका नाश कर देता है। अब सब चीज क्या है, मतलब सब अच्छी चीजों का, सब गुणों का, सब विनाश हो, लोभ सभी अच्छी बातों का, आपका अच्छे गुणों का नाश कर देता है। ये दोबारा नहीं लिख रहे, सब माने सभी, विनाश माने विनाश, विना बिल्कुल हिंदी यहां से लाइए, विनाश, सब माने सभी। ठीक है, क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान यानी घमंड विनय का नाश करता है, माया मित्रों को नाश करती है, और लोभ सभी अच्छे गुणों का आपका विनाश कर देता है। बारह गाथाएं हो गई, फोटो खींच ली।
नेक्स्ट पेज निकालेंगे इसमें से 13वीं गाथा। हटा दे इसको। वस मेड़ हड़े को हम, अब इनका उल्टा, चार कषायों का इनका उल्टा, इनका अपोजिट विपरीत, उसके लिए गाथा आ गई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कंपैरिजन किया है। वस मेड़ हड़े को हम, वस मेड़ हड़े को हम, एड़ किसमें लग रहा था, देवेर। थोड़ा थोड़ा सा आपको विभक्तियां रिवाइज हो रही होंगी। हड़े को हम, अभी को देखा था हमने क्रोध, और बिंदी लग गई तो क्या हो गया, देवम की तरह क्रोध को। हड़े मानता है हरता है, उवस बोलते हैं क्षमा, क्षमा क्रोध को हरती है। अब इनका अपोजिट अगर क्रोध को कम करना है किसी ने, है ना, तो क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो। किसी बात पे किसी ने कोई गलती करी तो उस पर आप क्या करोगे, या तो क्रोध करोगे या बोलोगे चल यार कोई बात नहीं, है ना, तो क्षमा कर दोगे। तो क्या होगा, उवस मेण हड़े को हम, हर माने हरता है। माणम मद वया जड़े, मद वया चिड़े, दस लक्षण में धर्म आता है एक, मार्दव धर्म। तो इसका क्या मतलब हुआ, मार्दव, मार्दव का मतलब है कि मान का अपोजिट है मार्दव। किसी ने घमंड किया और आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको घमंड नहीं करना, तो घमंड नहीं करने को क्या बोलते हैं हिंदी में, मार्दव, और प्राकृत में क्या बोलते हैं, मद्धव, मद्धव से बना मार्दव। यानी कि मान, घमंड को कौन जीतता है, मार्दव। आप बहुत संपत्ति वाले हो, आप राजा हो, लेकिन बहुत ही सौम्य हो, मृदुल हो, आपको उसका कोई भी घमंड नहीं है, तो क्या बोला जाएगा, मार्दव। मार्दव मान को जीतता है, जड़े माने जीतता है। मायम च, अब एक शब्द आया है एस, जज, एस जो लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अ। लेकिन अब ये एस क्यों आया, आज आपको इसका मतलब बताएंगे। ये एस इसलिए लगाया जब पाद पूर्ति करनी है, यानी कि उन्हें मात्राएं एक गिनती में रखनी है, और च के बाद में, अ के बाद में अगर अ लिख देते तो वो चा हो जाता, संधि हो गए। लेकिन च को अलग पढ़ना है और अज को अलग पढ़ना है, तो इसलिए एस लगा दिया। ऐसे ही कई जगह आपको गाथाओं में डबल एस मिलेगा, तो वो डबल एस क्यों लगाया, आ पढ़ना था इसलिए लगाया, क्योंकि जो शब्द थे गाथा में वो एक गिनती थी किसी छंद के हिसाब से, मात्रा। ये जो एस है ये मात्रा में और शब्द में काउंट नहीं होता, लेकिन बोलने में इसका सार आएगा अ, ठीक है। च अज व भावेड़, लोभम संतो सौजड़े, लोभम संतो, अब यहां पे क्या हो गया, अज का मतलब आर्जव, अज्जव। आज आर्जव धर्म भी सुना होगा ना आप लोगों ने, दस लक्षण में आता है। आर्जव धर्म किसका उल्टा है, माया का। जो व्यक्ति मायाचारी छल कपट नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, आर्जव है बहुत, है ना, इसको बिल्कुल भी किसी से छल कपट ये व्यक्ति नहीं करता है। मायम च अज्जव भावेर, आर्जव को सरलता भी बोलते हैं, बहुत सरल है ये, किसी से भी मायाचारी नहीं करता, सरल स्वभावी है, सौम्य स्वभावी है। लोभम संतो सौजड़े,
काफी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी इसमें इसमें भी पिछली गाथा की तरह से बहुत सारे शब्द सीधे सीधे पकड़ में आ रहे हैं हिंदी से। माया का उल्टा आर्जव, च माने और, लोभ संतोष, संतोष जानते हो ना कि आपको सेटिस्फेक्शन हो गया है ना, तो अगर आपके पास जितना है उसमें आपको संतुष्टि हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गया, तो आपको फिर किसी चीज का ज्यादा का लोभ नहीं रहेगा। संतोष किसको जीतता है? लोभ को। आर्जव किसको जीतता है? मायाचारी को। और उवस यानी क्षमा, क्षमा किसको जीतती है? क्रोध को। मार्दव किसको जीतता है? घमंड को। मान को यानी कि घमंड को, ठीक है। उवस माने क्षमा, मद्दव यानी कि मार्दवता, अज्जव यानी कि आर्जव, आर्जव को और क्या बोल देते हैं आसान शब्दों में? सरलता। संतोष सीधे सीधे पता चल रहा है। एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तेरहवीं गाथा का, एड़ लग गया तो क्या हो गया? देव एड़ की तरह, ठीक है, 3/1 यानी क्षमा के द्वारा। क्या मतलब निकला? तृतीय विभक्ति एक वचन में से द्वारा, तो क्या बना इसका मतलब? क्षमा के द्वारा। हड़े यानी कि हर किसी चीज को हरा जाए, नष्ट किया जाए, क्रोध को हरता है यानी कि खत्म करता है, हर करता है, हरता है, हरना है ना, हरने को बोलते हैं, हरना, नष्ट करना, ठीक है। क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। मद्दोया आ गया मार्दवता, विनय, मार्दवता से विनय से, मार्दवता क्या बोलते हैं? विनय को भी बोलते हैं, बहुत ही विनय। तो मान को कौन खत्म करता है? मार्दवता, आपकी विनयशीलता। और आर्जव यानी सरलता किसको खत्म करती है? माया को। भावेर उस भाव से लोभ संतोष उजड़े, संतोष से लोभ को जीता जाता है, जीता जाए, जीते, ठीक है। फोटो खींच लो इसकी, आ गया सबके समझ में? चप चप भावेर, आगे बढ़ते हैं, 14वीं गाथा करेंगे। आगे आप बिल्कुल चारों जो अभी पहले चार कषाएं लिखी थी उनको, चार कषाओं को खत्म करने का तरीका बताया, बता दें। समण सुप्तवादे ग्रंथ में आपके जो कोर्स में है, बता देते हैं टोटल कितनी गाथाएं हैं? 37 गाथाएं, 37, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। और आज जैसे भी रविवार का दिन है, संडे का दिन है, तो आप लोग आराम से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आगे 14, जहा कुम्मे स अंगाई, जहा कुम्मे स अंगाई, सये देहे समाहरे, सये देहे समाहरे, एवं पावा इम मेहावी, एवं पावा इम मेहावी,
जब पेड़ समाहरे, अज पपेड़ समाहरे, कैसे बोलेंगे, जहा कुमेश अंगाई सए देहे समाहरे, एवं पावा इम मेहावी, एवं पावा इम मेहावी, अज्जब पपेड़ समाहरे। कुम्मे बोलते हैं कछुए को, आपके कोर्स में एक लास्ट में कहानी है कुम्मे के नाम से ही, तो उसमें कछुए का एक कहानी छोटी सी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो कुम्मे मतलब कछुआ, जो टॉर्टोइस होता है ना कछुआ, उसको बोलते हैं। जहां कुम्मेस अंगारी, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने शरीर में समेट लेता है, इसी प्रकार से मेधावी अध्यात्म के द्वारा पापों को समेट लेता है, यानी कि नष्ट कर देता है। जैसे कछुए का अगर आप वीडियो देखेंगे या आपने वास्तव में कभी देखा होगा, तो जैसे ही उस पर खतरा आता है तो क्या करता है, अपने सिर को शरीर के अंदर घुसा लेता है, पैरों को भी अंदर घुसा लेता है, क्या रह जाती है, खाली पीठ, पीठ पीठ रह जाती है, और पीठ भी ऐसी ठोस होती है उसकी कि उसमें हथौड़ा भी मारोगे तब भी वो उसे कुछ नहीं होता, बिल्कुल पत्थर जैसी पीठ होती है। तो खतरे को भांप के जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे बाकी के कमजोर अंग जो हैं, सिर है, हाथ है, पैर है, उनको समेट लेता है, वैसे ही मेधावी व्यक्ति जो होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपने अध्यात्म के द्वारा अपने सारे पापों को, पावायन यानी कि पापों को समेट लेता है, वो जो उसने पीछे पाप किए हैं वो अपने तप के द्वारा, अपने अध्यात्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अपने सारे पापों को वो समेट लेता है, यानी कि बंद कर लेता है, यानी कि नष्ट कर देता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कछुए से लेकर एक मेधावी का। इसमें शब्दार्थ देखते हैं तो बहुत आराम से समझ में आएगा। जहा क्या है, हमने अव्यय पढ़े थे, जिस प्रकार से, जहा माने जिस प्रकार से, कुम्मे यानी कछुआ जिस प्रकार से कछुआ, स माने वह या उसके, अंगाई क्या हो गया, अंगों को, बहुवचन आ गया द्वितीय व्यक्ति का, अंगाई अंगाई अंगों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, अंगों को हमने देखा था प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन दोनों में आयम लगता है, कमला इम, उसी तरीके से अंगाई, स माने उसके, अपने अंगों को क्या कर लेता है, जिस प्रकार से कछुआ करता है, क्या करता है, सहे देहे, देह मतलब अपने शरीर में, देह में समेट लेता है, देह में, देह तो जानते होंगे ना शरीर को बोलते हैं, ठीक है, और वही जैसे देवे लगाया था सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपने शरीर में, सए यानी कि स्वयं के शरीर में समाहे, समाहित कर लेता है, समेट लेता है, समाहित कर लेता है, सए मतलब स्वयं के, अपने, ठीक है, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को स्वयं के शरीर में समाहित कर लेता है, समेट लेता है, एवं का मतलब होता है इसी प्रकार से, ये भी अव्यय है, इसी प्रकार से पावा इम यानी पापों को, पाप माने पाप, इम लग गया तो क्या हो गया, आ इम दो बटा दो, पापों को मेधावी दो बटा दो, बीच बीच में लिखते रहते हैं जिससे आपको कुछ कुछ शब्द याद आए, पापों को, मेधावी का मतलब है मेधावी, मेधावी यानी कि ज्ञानी, बहुत ही जो ऊर्जावान है, जो
बुद्धिमान है, मेधावी व्यक्ति जिसको सही ज्ञान है। मेधावी का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि जो स्कूल में टॉप कर गया, जरूरी नहीं है जिसने स्कूल में टॉप किया वो वास्तव में, जो वास्तव में ज्ञान है, यानी कि वास्तविक ज्ञान क्या है, संयम तप, ये सारे जो उसके ज्ञान है, उसे संसार का अपनी आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको स्व और पर का भेद पता है उस ज्ञानी की, उस मेधावी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मेधावी क्या करता है, पापों को अज अप, अप माने क्या बताया था, आत्मा है ना, अज्जप का मतलब क्या हो गया, ये अज्जप पूरा, अप माने अलग से तो होता है आत्मा, और ये अज्जप अगर पूरा वर्ड लिया जाए तो उसका मतलब होता है अध्यात्म। अज्जप का मतलब अध्यात्म, यानी कि धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। एड़ लग गया तो देवेड़ क्या हो गया, द्वारा लग गया, एड़ लगते ही 3/1 अध्यात्म के द्वारा। ये अब धीरे धीरे आपको पता चल रहा है ना, एड़ लगने का मतलब देवेड़, देवेड़ मतलब 3/1 तृतीया विभक्ति एकवचन, अध्यात्म के द्वारा समाहिरे समाहित कर लेता है, समेत लेता है किस चीज को, पापों को। जिस प्रकार से कछुआ कभी कोई विपत्ति आने पर, वो विपत्ति क्या है, इसमें हिडन है ना, किसी ने भी अटैक किया तुरंत कछुआ अपने को समेट लेता है, इसीलिए कहते हैं कि कछुए की उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत आराम से अपने आप को हर कष्ट से बचा लेता है। जहा कुमेश अंगाई, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को स्वयं के अपने ही शरीर में इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार से जो मेधावी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अपने तप संयम इत्यादि के द्वारा, यानी अध्यात्म के द्वारा क्या कर लेता है, पापों को, जो उसने पाप किए हुए हैं उनको समाहित कर लेता है, उनको नष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। इसकी फोटो खींच लीजिए, 14 गाथाएं हो गई आपकी, बता दें इसको पूरे की बाद में खींचिए ना। से जाड़ मजाड़म वा, 15वीं गाथा कर रहे हैं, से जाड़ मजाड़म वा, जाड़ मजाड़म वा, कट्टुम आह मियम पयम, क ट टा के नीचे फिर से ट, कट्टुम आह मी, आह मी अम पयम, संवरे क्षिप्पम पपाड़म, संवरे क्षिप मपाड़म, बीयम तम न समायरे, बीयम तम न, अभी पिछली बात हमें भी समायरे वर्ड आया था, समाहरे, यहां पे क्या है, समायरे, से जाड़ मजाड़म वा, उसके बाद कौमा, कट्टुम आहम मियम पयम, संवरे क्षिप्पम पाड़म, बीयम तम न समायरे, बीयम, बीयम जो है बोलते हैं दो को, प्राकृत में बी का मतलब क्या है, दो, बीयम का मतलब हो गया दोबारा, देखते हैं पूरे का अर्थ, बीयम का मतलब है दोबारा, और
आहम नियम का मतलब है अनुचित, कोई भी चीज जो सही नहीं है, अनुचित और या फिर अधार्मिक। आहमी मतलब अनुचित है, गलत काम है, अधार्मिक काम है। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं और फिर इसका पूरा मतलब समझेंगे कि भावार्थ क्या है। ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक अनुचित कार्य को करके कोई भी व्यक्ति अपने को तुरंत रोक ले और फिर उस काम को वह कभी दूसरी बार यानी दोबारा नहीं करे। कोई भी काम किसी ज्ञानी व्यक्ति से अगर बाय चांस गलती से अधार्मिक तरीके से अनुचित काम हो गया है, चाहे तो उसने जानबूझ के किया है या आप बिना जान के हो गया है ना, अनोइंगली जिसे बोलते हैं, नोइंगली और अनोइंगली, अगर कोई गलत काम किसी व्यक्ति से हो गया है, कोई बात नहीं, माफ कब कर दिया जाएगा, जब वो उस काम को पहले जैसे ही किया उसको रिपीट ना करे, यानी कि अपने आप को रोक ले, अरे ये मैंने क्या कर दिया, और बीएम यानी कि दोबारा उस काम को नहीं करे। गलती जो एक बार की जाए तो माफ कर दी जाती है, लेकिन जानबूझ के फिर वो गलती को बार बार करे तो फिर उसकी माफी नहीं है, तभी वो फिर भी उसको ज्यादा दोष नहीं लगेगा। कौन सी गलत है, पंद्रहवीं, से माने वह, जाड़ माने जान के, जाड़म जाड़म प्लस अजाड़म, क्या है इसमें, जाड़म यहां तक लिया, उसके बाद अजाड़म, ये मां आधा था यहां, क्या है ये जा मां के नीचे हलंत है, हलंत संस्कृत में नहीं होता, इसमें प्राकृत में नहीं होता है, लेकिन अपन वैसी बता रहे हैं, अगर संधि करी तो क्या होगा, जाड़म और अजाड़म दोनों मिलके क्या हो गए, जाड़म जाड़म मजाड़म हो जाएगा, आधा म और अ, तो क्या मिल गया ये जाड़ मजाड़म, जाड़म का मतलब जान के, जाड़न का मतलब जानबूझ के और अजाड़न का मतलब अज्ञान से, बिना जाने, जान माने ज्ञान से, यानी कि पता था कि ये काम मैं गलत कर रहा हूं, अज्ञान मतलब अज्ञान से कि गलती से किसी काम को सही माना लेकिन वो गलत था। से माने वह, वा माने अव्यय अथवा, वा माने अथवा, ठीक है, वह कोई व्यक्ति जानबूझ के अथवा बिना जान के, कट्टुम माने करना करके, कट्टुम भी एक तरह से अव्यय है, करके के लिए इस्तेमाल में आता है कि कट्टुम यानी कर दिया। आहम मी क्या काम, अनुचित काम या अधार्मिक काम, आहम मी अम यदि देवम की तरह से लग गया तो क्या हो गया, करके। पयम, पयम का मतलब है कोई कार्य, पयम का मतलब है कार्य को, यानी किसी काम को, बिंदी लग गई देवम की तरह से, पय माने होता है कार्य या काम। वह व्यक्ति जानबूझ के या बिना जान के अथवा या ठीक है, कट्टुम अनुचित काम करके, समरे खिप्पम पाड़म, समरे बोलते हैं संवर, आपने सात तत्व पढ़े थे उसमें क्या था, एक तत्व आया था संवर, संवर मतलब आत्मा में कर्मों का आना, उसको रोकना, आश्रम मतलब उसका आना और संवर का मतलब क्या था, उसको रोकना, तो संवर वर्ड कहां से आया है, प्राकृत से आया है, संवर का मतलब रोके। खिप्पम अपाड़म, अपाड़म का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था स्वयं को या आत्मा को, खिप्पम, खिप्पम का मतलब
और यहां पे आया अपाड़म, खिप्पम प्लस अवहणम अपाड़म। जैसे ऊपर हमने दो किए संधि, ऐसे यहां पे खिप्पम और अपाड़म। खिप्पम का मतलब है तुरंत और अपाड़म का मतलब है स्वयं को, अपने आप को, अपनी आत्मा को। अपाड़म का मतलब आड़म लग गया तो क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति बहुवचन स्वयं को। आड़म लग गया द्वितीय विभक्ति बहुवचन है ना, दो बटा एक। अच्छा अपाड़ पूरा एक शब्द है यहाँ पे, पूरा चतुर्थी होता है द्वितीय विभक्ति अपाड़ यानी कि स्वयं को रोके तुरंत इमीडिएटली, जैसी लगा रहे गलत काम हो गया। वियम मतलब द्वारा, तम मतलब वह काम, न मतलब नहीं, समायरे का मतलब है करे, समा हरे का मतलब था समाहित और समायरे का मतलब करे। अब वो व्यक्ति उस काम को फिर से दोबारा नहीं करे, वह व्यक्ति कोई भी जानबूझ के या ज्ञान से कोई अगर अनुचित काम को कर दे तो क्या करे, तुरंत खिप्पम माने तुरंत और अपाड़म यानी स्वयं को, तुरंत स्वयं को रोके। उसके बाद दोबारा तम माने वह नहीं करे, दोबारा उस काम को रिपीट नहीं करे। फोटो खींचो इसकी, अंदर गाथा हो गई आपकी, एक घंटा दस हो गए। हाँ तो अभी कितनी हमने, आठ से शुरू किया था, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, तो एक गाथा और करेंगे या बीस गाथा का टारगेट था वैसे आज, ठीक है मिटा दे इसको, टोटल बीस गाथाएं करेंगे आज, बीस गाथाएं करेंगे आज संडे, अरे दो घंटे हो जाएंगे, चलो देखते हैं अभी, अरे आठ का रखते हैं आठ से, चलो आठ गाथा करेंगे, एक गाथा और करते हैं आज। कौन सी, सोलहवीं गाथा, समण सूक्तम में कितनी गाथाएं हैं, 37 गाथाएं हैं, समय हमारे पास कम है तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कल से फास्ट करेंगे। जे ममा ई मतिम जहाति, जे ममा ई मतिम जहाति, से जहाति ममा इयम, से जहाति ममा यम, से हुदिठ पहे, से हुदिठ पहे, दिट्ठ टा के नीचे ठा पहे, मुड़ी चस नथी ममा यम, जस नथी ममा यम, बोलेंगे एक बार सब लोग साथ में, जे ममा इय मतिम जहाति, से जहाति ममा यम, से हुदिठ पहे मुड़ी, जस नथी ममा यम। पहे माने होता है पथ यानी कि रास्ता, इसका अर्थ देखते हैं सोलहवीं गाथा का, जो ममता वाली वस्तु बुद्धि को छोड़ता है, वह ममता वाली वस्तु को छोड़ता है, जिसके लिए कोई ममता वाली वस्तु नहीं है वह ही ऐसा ज्ञानी मुनि है जिसके द्वारा अध्यात्मत जाना गया है। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है किताब में देखने पे, बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। कोई व्यक्ति मति माने बुद्धि, ममा ये यानी कि अटैचमेंट ममता, यानी कि किसी चीज में आपको ममता है तो ऐसी बुद्धि को छोड़ दो, तो अपने आप से
चाहे आपके चारों तरफ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी, अपने आप से वो होते हुए भी आपसे छूट जाएगी। तो परिग्रह वास्तव में क्या है कि ममता रखना। कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, सब कुछ है, लेकिन उसमें उसका अटैचमेंट नहीं है, ममता नहीं है, तो वो फिर भी कहा जाएगा कि अपरिग्रही है। और किसी को एक कुछ भी नहीं है लेकिन एक पेंसिल मात्र से भी अगर उसको बहुत अटैचमेंट है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो क्या कहा जाएगा, वो परिग्रही कहा जाएगा। तो वास्तव में क्या छोड़ना है, सामान को नहीं छोड़ना, आपको उस सामान में जो अटैचमेंट है, वो बुद्धि जो लगाई हुई है, उसको छोड़ना है। जो व्यक्ति ममता वाली बुद्धि को छोड़ता है वो ऑटोमेटिकली ममता को, ऐसी वस्तुओं को छोड़ देता है, भले ही उसके पास में हो या नहीं हो। सेहु दिट्ठ पहे मुनि, ऐसे ही व्यक्ति को वास्तव में मुनि कहते हैं और उन्हीं के द्वारा सही पथ जाना गया है। शाब्दिक अर्थ करते हैं तो मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जे माने जो, ममाई बोलते हैं ममता, ममाई यानी कि ममता, यानी कि अटैचमेंट। ममता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि माँ को बेटे से बहुत अटैचमेंट होती है, ममता होती है किसी भी चीज से, ठीक है। तो ऐसे ही अटैचमेंट को बोलते हैं ममता। मति माने बुद्धि, यानी कि उसमें अपनी बुद्धि लगाई हुई है, उसमें अपना दिमाग लगाया हुआ है। जहाती बोलते हैं छोड़ने को। जहाती मतलब, एक हमने शुरू में पढ़ा था, ये दीदे के साथ में ती भी लगा सकते हैं, तो यहां पर वही ती लगाया है, छोड़ता है ना, तीन बटा एक। से मतलब वह, द्वारा से आया जहाती यानी कि छोड़ता है, से जहाती जी 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 से अच्छा जहाती द्वारा गया, से जहाती ममायम, वही वास्तव में छोड़ता है ममता को, ममता वाली ममायम। यहां पे आया ममाई, यहां पे ममायम। जो व्यक्ति ममता की बुद्धि छोड़ता है वही वास्तव में ममता को छोड़ पाता है, ठीक है। जो उसमें अटैचमेंट में उसकी दिमाग लगा हुआ है, तो वो अगर निकाल दे तो ऐसी ममता वाली वस्तुओं को वो छोड़ देता है, ठीक है। ममता वाली वस्तु, ममायम का मतलब फिर से वही आ गया, ममता की, ममता वाली जिस वस्तु से उसको बहुत अटैचमेंट है। से वो दिट्ठ पहे मुनि, ऑब्वियसली मुनि है, दिट्ठ मतलब दृष्टि यानी जाना गया है, असली दृष्टि से, हाँ, दिट्ठ माने जाना गया। उसी के द्वारा पहे यानी पथ यानी रास्ता, पथ यानी रास्ता या मार्ग, उसी के द्वारा मुनि यानी कि मुनि, जो तपस्वी है, जो ज्ञानी है, मुनि यानी मुनि, तपस्वी ज्ञानी, उसी मुनि के द्वारा, मुनि हिंदी में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, से यानी कि वह, हु माने ही, वह ही मुनि है जिसके द्वारा वास्तविक रास्ता जाना गया है। और जस माने जिसके लिए कोई भी नथी ममता वाली वस्तु नहीं है, जिसके लिए, जस हो गया, नथी माने नहीं, ममाइम फिर से ममता वाली वस्तु, अगर आपके पास तीछी का मंडल है, उन्हीं बन गए, और उस पीछी कमंडल से भी बहुत मोह है, अटैचमेंट है, तो यहां तक आया है कि वो भी परिग्रह माना जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट है। अगर उससे आपको अटैचमेंट नहीं है, उसके पीछे आपको राग नहीं है, तब माना जाएगा कि वास्तव में आप अपरिग्रही हैं। इसीलिए मुनि भी वास्तव में कौन है,
जिसके लिए कोई भी ममता वाली वस्तु नहीं है। ममता वाली वस्तु कब मानी जाएगी? नहीं है जब उसको उसमें बुद्धि नहीं लगाई, उसमें उसने अपनी दिमाग नहीं लगाया, भले ही वो चीज को उठा के ले जाए नहीं ले जाए, मेरे को उसमें कोई ममता नहीं है। जे ममा ई मतिम जहाती, जो ममता वाली बुद्धि को छोड़ता है वे ही वास्तव में ममता वाली वस्तु को छोड़ता है। से हू दिट्ठ पहे मुनि, उसी मुनि के द्वारा वास्तव में सही मार्ग जाना गया है जिसके लिए कोई भी ममता वाली वस्तु नहीं है। आज आपकी 16 गाथा हो गई। अगली क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और फास्ट चलेंगे, वो भी समर सूत्र में 37 गाथाएं हैं, अदरवाइज आपको बहुत दिन लगेंगे। इसकी फोटो ले लो। सभी को जय जिनेंद्र। कल हम अपनी गाथाओं की 5th क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।